हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द मेंटल मैथ्स। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 4। हम आज से मेंटल मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 4 से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर्स, हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऐसे नंबर्स आपके इवन नंबर्स बोले जाते हैं। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, तो जब आप 2 की टेबल काउंट करते हैं, तो कि 2 की टेबल काउंट करने में हर वो नंबर जो 2 की टेबल में आएगा, वो सारे नंबर आपके इवन नंबर होते हैं। यहाँ पर इवन नंबर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं 2 से लेके 100 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे इवन नंबर्स हैं। आप 2 की टेबल काउंट करेंगे तो उसमें ये सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। नॉर्मली हम टेबल 10 तक काउंट करते हैं, 2, 10, 20, तो 20 तक के नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसके भी अगर टेबल काउंट करेंगे तो आपको ये सारे नंबर 2 की टेबल में मिलते जाएंगे। तो 2 की टेबल काउंट करने पे जो नंबर आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एक इवन नंबर पता है, तो उसके बाद एक एक नंबर स्किप करने पर आपको इवन नंबर्स मिलते हैं। जैसे फर्स्ट इवन नंबर है 2, 2 के बाद 3 स्किप कर दिया, 3 को छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 4 इवन नंबर है, 5 स्किप, 6 इवन नंबर, 7 स्किप, 8 इवन नंबर। तो अगर आपको कोई भी एक इवन नंबर पता हो, उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर बताना हो, तो 20 का नंबर आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट नंबर जो आएगा आपका इवन नंबर होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर बोले जाते हैं। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स में नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, एंड ऑड नंबर्स में 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सबसे पहला आपका ऑड नंबर 1 है, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो आप 2 की टेबल काउंट करेंगे तो उसमें ये नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जब आप इन नंबर्स को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 हमेशा बचेगा। 1 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 1 छोटा है। आप 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे नंबर में भी जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर बार 1 बच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन है ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो नंबर आपके ऑड नंबर कहे जाते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और साथ में खुद अपने नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। ये आपके प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं, 100, 1 से लेकर 100 तक के ये सारे नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर ऐसे हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो फिर खुद उस नंबर से। 3, इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी नंबर से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सेम इसी तरह 5, 7, 11, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो फिर उसी नंबर से डिवाइड होंगे। डिवाइड होने का मतलब यह है कि उसकी टेबल में आना चाहिए। 1 की टेबल आप काउंट करेंगे तो 3 आएगा, आप 2 की टेबल काउंट करेंगे तो उसमें 3 नहीं आएगा, जब आप 3 की टेबल काउंट करेंगे तो फिर उसमें 3 आएगा। इसी तरह बाकी सारे नंबर्स भी हैं, 1 की टेबल काउंट करेंगे तो उसमें 59 आएगा, और जब आप 59 की टेबल काउंट करेंगे तभी 59 आएगा, और किसी नंबर की टेबल में 59 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो फिर खुद अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 4 है। आप वीडियो देखिए और इसको सीखिए, इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।